श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब दिन होत न एक समान। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपति मेरु समान। एक दिन जाय स्वपच गृह सेवत अंबर हरत मशान। एक तरह की स्थिति जीवन काल में नहीं होती। गाड़ी के चक्के की तरह जीवन में सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे, बड़े सत्यवादी राजा थे। अभी भी लोग उनका नाम जानते हैं, नाटक करके लोग दिखलाते हैं कि किस तरह के वे सत्यवादी थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक रोज स्वप्न देखा कि मैंने अपना राज एक गरीब ब्राह्मण को दान में दिया है। नींद टूटने पर सोचने लगे कि मैंने अपना राज दान कर दिया, स्वप्न देखने वाले तो मैं ही हूँ। मैंने स्वप्न में राज दान किया। दान किए हुए राज को अपने जिम्मे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। मन में इस तरह का चिंतन कर ही रहे थे कि संयोग से उसी समय जिस गरीब ब्राह्मण को उन्होंने स्वप्न में दान दिया था वे आ गए। हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने इस तरह का स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैंने अपना राज आपको दान में दे दिया है, आप इसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने राज दान किया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन कुछ दक्षिणा भी दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, आप आदेश करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं आदेश नहीं करूंगा। आपने अपने मन से राज्य का दान किया है, मैंने तो कहा नहीं आपको, इसलिए आप अपने मन से दक्षिणा भी दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने राज के कर्मचारी को आदेश दिया कि 1000 स्वर्ण मुद्रा लाकर हाजिर करो। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, आपने तो राज दान कर दिया और राज को मैंने स्वीकार कर लिया। राज के अंदर जो खजाना है, राज कोष में जितना जो कुछ है, सब दान हो गया। आपने जो दान नहीं किया है उसमें से दीजिए। सोचने लगे, इनका तो कहना बिल्कुल सही है, मैंने राज दान किया तो राज के अंदर जो खजाना है वह सब दान हो गया, अब क्या दूं। सोचते सोचते उनके मन में हुआ, मैंने राज दान अवश्य किया है, यद्यपि मेरा शरीर भी इस राज में है, लेकिन ऐसा संकल्प मैंने नहीं किया है कि मैं अपने को दान कर रहा हूं। अपने को तो मैंने दान नहीं किया है, हम हैं, हमारी धर्मपत्नी है, हम लोग बिक जाएंगे तब तो द्रव्य प्राप्त होगा, वही हाजिर करूंगा। ऐसा सोचकर राज से निकल पड़े। हरिश्चंद्र एक डोम के यहाँ नौकर के रूप में रह गए। अपनी धर्मपत्नी को एक तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी के रूप में रख दिए। दोनों जगह से जो द्रव्य प्राप्त हुए उसको पहुंचा आए। फिर अपने अपने काम पर जहाँ रहते थे चल दिए। अपनी धर्मपत्नी को समझा कर कह दिए, देवी धर्म का परित्याग कभी मत करना, ठीक ठीक धर्म पूर्वक रहना, जो सेवा कार्य मिले सेवा करते रहना, जीवन में सुख और दुख जो भी है ईश्वर की मौज समझकर भोगते रहना। अपने डोम के यहाँ चले गए और अपनी धर्म पत्नी को तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ भेज दिए। राजा हरिश्चंद्र को डोम ने शमशान घाट में रहने का कार्य सौंपा। डोम ने कहा, जब कोई व्यक्ति के संबंधी मर जाते हैं, उसका दाह संस्कार करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, तो उनसे मैं कर के रूप में वस्त्र या द्रव्य लेकर तब यहाँ दाह संस्कार करने देता हूँ। तुम वस्त्र या द्रव्य जो कुछ भी प्राप्त हो, कर के रूप में मिले, उसे मेरे पास पहुँचाओ। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में रहने लगे। रहने के लिए वहाँ घर नहीं, सोने के लिए पलंग नहीं, जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना, फटा चिथरा कपड़ा पहनना,
समय पर भोजन नहीं, मालिक का जो आदेश हुआ उस आदेश के अनुसार काम करने लगे। जो लोग दाह संस्कार के लिए आते थे उनसे वस्त्र या द्रव्य कर के रूप में मिलता था उसे मालिक के पास पहुंचाते थे। कुछ समय बीता, केश दाढ़ी बढ़ गई, शरीर सूख गया, भोजन उत्तम नहीं और वह भी समय पर नहीं, पहचाने भी नहीं जाते। उधर उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मण के यहाँ थी, वह एक दिन फूल लाने के लिए गई, साथ में उनका पुत्र था, उनका नाम था रोहित, वह भी फूल चुनने लगा। फूल की झाड़ी में एक सर्प था, उस सर्प ने उनके पुत्र को काट लिया, वह मर गया। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का नाम था सेव्या, वह बहुत व्याकुल हो गई। कहाँ तो राजा की रानी थी, अब रानी नहीं स्वयं नौकरानी के रूप में है। राजा का संग भी नहीं रहा, केवल एक पुत्र था, उनको देखकर संतोष था, वह भी मर गया, बहुत व्याकुल हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग रोने की आवाज़ सुनकर उनके पास आए, लोगों ने समझा कर कहा, देखो संसार की यही रीति है, जो उगे सो अथवे जामे सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमलाए। सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है, फूल खिलता है लेकिन सब समय खिला हुआ नहीं रहता है, होते होते मुरझाने लगता है, एक दिन सुख का समाप्त हो जाता है। बढ़िया से बढ़िया भवन लोग बनाते हैं लेकिन होते होते जीर्ण शीर्ण होकर धाराशायी हो जाता है। उसी तरह लोगों का जीवन भी है, जो लोग जन्म लेते हैं एक दिन मरते भी हैं, जितनी आयु लेकर जो आते हैं उतने ही समय तक रह पाते हैं। तुम्हारा पुत्र इतनी ही आयु लेकर आया, आयु समाप्त हो गई, वह चला गया, अब रोने से कुछ लाभ नहीं होगा, उसको ले जाओ शमशान घाट और दाह संस्कार कर दो। महारानी सेव्या जानती नहीं थी कि कैसे दाह संस्कार किया जाता है, कभी नहीं की थी, वहाँ कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था। वह तपस्वी ब्राह्मण भी ध्यान तपस्या में लीन, उनको समझाने तक के लिए वहाँ पर नहीं आए। बेचारी अकेली अपने पुत्र को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची, वहाँ महारानी सेव्या के पति राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन महारानी सेव्या पहचान नहीं सकी, क्योंकि पहले जैसा शरीर तो नहीं था, शरीर सूख गया था, फटा चिथरा कपड़ा पहने थे, केश दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर में धूल लगी हुई थी, भिखारी की तरह था। महारानी सेव्या पहचान नहीं सकी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र पहचान गए, पर उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, कहा देवी तुम अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए यहाँ आई हो, मेरे मालिक का आदेश है कि जो कोई दाह संस्कार करने आवे उससे कर लेकर के तब दाह संस्कार करने देना। तुम्हारे पास जो कुछ द्रव्य अथवा वस्त्र हो वह कर के रूप में दे दो। उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, न तो कुछ द्रव्य है और न अतिरिक्त वस्त्र है, मैं जो साड़ी पहनती हूँ पहनी हुई हूँ इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ है ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं तो अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मालिक का आदेश है कि कर के रूप में कुछ प्राप्त होने पर ही दाह संस्कार करने देना। महारानी सेव्या विवश हो गई, कहा देखिए मेरे पास तो कुछ भी द्रव्य नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, लेकिन बिना कर लिए आप दाह संस्कार करने देना नहीं चाहते हैं। जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ इसी साड़ी में से जितना फार कर लेना चाहें ले लें। देह पर जो साड़ी थी राजा हरिश्चंद्र ने उसी साड़ी को फाड़ना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने फाड़ना प्रारंभ किया कि धर्म मनुष्य शरीर धारण कर प्रकट हो गए, उनके हाथ पकड़ लिए और कहा हरिश्चंद्र इतनी घोर विपत्ति आने पर भी तुमने अपना धर्म नहीं त्यागा, यह राज क्या, अब तुम्हें वह राज प्राप्त होगा जो कभी नहीं छूटेगा। इस कहानी को कहने का मतलब यह है कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी के भी जीवन में विपत्ति आई। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, भगत ही तो भगवान प्रभु, राम धरे उतन भोप,
के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान श्री राम भक्तों के प्रेम वश अवतार लिए थे, उनके दुख को दूर करने के लिए। उससे पहले भगवान नहीं थे, सो बात नहीं, भगवान तो पहले भी थे, शरीर धारण किए प्रकट हो गए, इसलिए तो उनकी स्तुति की गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहले अप्रकट थे, लोग देख नहीं पाते थे, शरीर धारण किए तो प्रकट हो गए, लोग देखने लग गए। शरीर धारण करने का नियम क्या है? सूरदास जी महाराज ने लिखा, संपति विपति, विपति सो संपति, देह धरे को यह सुभाई। जो देह धारण करते हैं तो देह धारण करने वाले के लिए नियम बना हुआ है। क्या नियम बना हुआ है? कभी संपत्ति की प्राप्ति होगी तो कभी विपत्ति आएगी। एक तरह की स्थिति में रह नहीं सकते, देह धारण करने का यह स्वभाव है। भगवान श्री राम ने भक्तों के प्रेम वश देह धारण किया। देहधारी के लिए नियम है कि कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, कभी संपत्ति मिलेगी अर्थात सुख का साधन मिलेगा तो कभी विपत्ति दुख भी आवेगा। भगवान श्री राम दिखला दिए, नियम का पालन उन्होंने भी किया, राजा के यहाँ अवतार लिया, राज सुख प्राप्त था, लेकिन 14 वर्षों तक जंगल